ये सीरान का 100 वाट का सोल्डिंग आयरन है। ये अचानक हीट होना बंद कर दिया और इसको आज हम देखेंगे कैसे इसे ओपन करते हैं और कैसे इसकी टेस्टिंग करते हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। अभी हम इसको सबसे पहले यहाँ पर दिखा दें ऑन करके। ये देखिए यहाँ पे सप्लाई आ रही है, ठीक है, और इसको हम ऐसे पकड़ते हैं, यानी यहाँ तक सप्लाई आने का मतलब कि इस एलिमेंट तक भी सप्लाई जा रही होगी। लेकिन इसे हम ओपन करके देखेंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है और इसे कैसे ओपन करते हैं और कैसे टेस्ट करते हैं और कैसे रिपेयर करेंगे, इसको भी इसी वीडियो में देखेंगे। चलिए इसकी सप्लाई हम निकाल लेते हैं। यहाँ इसको सबसे पहले ऐसे ओपन कर लेंगे, ठीक, ऐसे ये निकल जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे ये जो ऑन ऑफ का स्विच है, इसके ऐसे नॉब को, बटन को ऐसे ऊपर से निकाल लेंगे, ये आराम से निकल जाएगा, ठीक है। इसके अंदर स्विच है, अब इसे हम यहाँ से नहीं खोलेंगे, ठीक है, यहाँ से खोलेंगे। अब यहाँ से इसको ऐसे आगे की तरफ खींचेंगे, ठीक। अब यहीं से इसे, जैसे ये ऑन कंडीशन में स्विच है और यहाँ पर हम इसके एसी वोल्टेज को चेक करेंगे। इसकी सर्किट डायग्राम भी हम अभी आपको दिखाते हैं बना के। एक बार इसे ध्यान से देख लें फॉल्ट को ठीक करने से पहले। अब इसको प्लट करके दिखाते हैं। अब गेस करें इसमें फॉल्ट क्या होगा। ये मल्टीमीटर लेंगे, इसको एसी के रेंज पे रखेंगे, ठीक है, और इस आयरन को सप्लाई देते हैं। यहाँ पे हमने जो आयरन को सप्लाई दिया है, ये इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पर वोल्टेज देखेंगे, यहाँ सबसे नीचे स्टार्टिंग में ये जो है एसी, यहाँ पे 192 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। अब यहीं पर देखेंगे, जैसे यहाँ ये जो है सप्लाई आई है, तो जैसे इसको हम पलट कर दिखाते हैं, 1 मिनट, ये न्यूट्रल है और न्यूट्रल यहाँ पर आया है यहाँ पे, और यहाँ ये ट्रैक से, ये यहाँ पर देखिए 126 वोल्ट जा रहा है, ठीक है, और यहाँ पे कोई भी सप्लाई नहीं जा रही है, यानी यहाँ पर जा रहा है। अब यहाँ से यहाँ नहीं जा रहा है तो या तो ट्रैक ब्रेक है, तो उसके पहले हम एलिमेंट को चेक करते हैं। एलिमेंट को कंटिन्यूटी मोड पे, रेजिस्टेंस के मोड पे रख के देखिए 358 ओम दिखा रहा है इसका, ये एलिमेंट का रेजिस्टेंस है, यानी ये हमारा एलिमेंट सही है। अब ये जो सप्लाई यहाँ पर आ रही है, यहाँ पे नहीं है, तो इसका रीज़न यहाँ इसके अंदर ये डाइसोल्ड है। एक मिनट, इसके पहले हम यहाँ पे स्क्रैच मारकर और यहाँ पर देखते हैं सप्लाई यहाँ तक ट्रैक पे।
फिर से सप्लाई लगाते हैं, और सप्लाई लगाने के बाद इसे मल्टीमीटर को एसी के रेंज पर रखेंगे। और यहाँ ये कॉमन है, और यहाँ पर देखें ₹125, यहाँ पे कोई भी वोल्ट नहीं। देखिए इसको चेक करने के लिए यहाँ पे हम इसको ऐसे ऐसे लगा देते हैं, ठीक है। और यहाँ लगाने के बाद यहाँ थोड़ा सा पेस्ट ऐसे लगा देंगे कि जैसे ये हीट होगा, स्टार्ट होगा, जिससे वहाँ से यहाँ से धुआं निकलने यानी धुआं निकलने लगेगा जैसे जैसे हीटिंग होगी। तो इसके पहले हम इसे एक बार और चेक करते हैं ऑन करके, उसके बाद हम यहाँ पे सोल्डिंग करते हैं फिर से। देखिए ऑन है, लेकिन यहाँ पे भी हीट नहीं हो रहा है, ठीक। अब ये सोल्ड हो गया, ऐसे इसको यहाँ पे लगा देंगे। देखिए इसे सप्लाई देते हैं। यहाँ फिर से सप्लाई देते हैं, देखिए 1 मिनट, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जैसे अगर हीट होगा तो ये पिघलना शुरू होगा, यहाँ सप्लाई देखेंगे तो 103 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। इसे हम थोड़ा सा बढ़ाते हैं, फुल कर दिए हैं, फुल कंडीशन में ये 213 वोल्ट हो रहा है, ठीक है। देखिए धुआं उठना शुरू हो गया, ठीक। तो ये फॉल्ट यहीं से था। अब इसको सबसे मिनिमम अगर देखते हैं, अगर मिनिमम करेंगे तो यहाँ पे ये देखिए एकदम हमने मिनिमम कर दिया, तो ये वोल्टेज अगर यहाँ ट्रेस करेंगे 112 वोल्ट शो हो रहा है, ठीक। एकदम फुल बंद है, यहाँ पे बंद है पूरा, ठीक। अब इसको पैक करने के लिए यहाँ से इसे ऐसे निकाल लेंगे और इसको अलग कर देंगे, फिर यहाँ पे ऐसे देखेंगे ये जो स्विच है ये यानी ऊपर साइड से जाए, और ये यहाँ पे ये जो वेरिएबल कंट्रोल है ये भी ऊपर की तरफ रहे। तो यहाँ पर ऐसे देखें एक होल ये साइड में ये कॉर्नर में बना हुआ है कि जहाँ पे पीसीबी ऐसे जाकर ऐसे सीधे इसमें इन हो जाएगा, इन होके और जहाँ पे है ये ऐसे यहाँ पे रुक जाएगा, ठीक।
अब यहीं पे ये ऐसे जो है एरो बना होगा, तो यहाँ जैसे एरो है स्टॉप का, तो यहीं पे हम ऐसे ऐसे सेट कर देंगे। और इसके बाद ये जो है ऑन कंडीशन में है, तो ये नॉब जो है इसका बटन का ऐसे, ठीक, यहीं से ये ऐसे बंद हो जाएगा, ऐसे ऑन हो जाएगा, फिर इसे ऐसे ऊपर से टाइट कर देंगे यहाँ। तो आज की वीडियो में इसके एलिमेंट की रेजिस्टेंस आप देख लिए, और इस पे मिलने वाले वोल्टेज एसी वो भी देख लिए, और किस कंडीशन में फॉल्ट हो सकते हैं जिससे आपका ये हीट ना करे, यानी यहाँ पे इंडिकेट जलेगा, इंडिकेशन देगा, उसके बाद भी ये गर्म नहीं होगा, तो इसकी टेस्टिंग और ओपन कैसे करते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, और देखते रहिए। और इसको ऑन करने के बाद ये हमेशा जो है ऐसे आप इसे थोड़ा सा और जैसे गर्म हो, जैसे यहाँ पे साफ़ करने का जो हमने बताया था कि कपड़े से, जैसे यहाँ पर देखें अभी जैसे ये गर्म होगा, तो ऐसे हम जो है इसे साफ़ कर लेते हैं। ये वही बीट है जो इसके साथ में लग के आया था, हमने अभी एक्स्ट्रा बीट इस पे नहीं यूज़ किया है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू दोस्तों। अब यहाँ पर अगर इसका सर्किट डायग्राम देखेंगे, तो ये देखिए ऑन ऑफ स्विच है, जहाँ से इसकी सप्लाई जैसे यल लाइन और यल न्यूट्रल, न्यूट्रल और लाइन का सबसे पहले टेस्टिंग यहाँ पर चेक करेंगे 220 वोल्ट एसी। इसके बाद ये न्यूट्रल यहाँ पर सीधे इस एलिमेंट पर जाएगा कामन के रूप में, ठीक है, और नेक्स्ट यह लाइन जाके स्विच में जुड़ेगा, स्विच से ऑन होके, ऑन होके यहाँ पर आएगा इस जगह पर, यह है ट्रैक BT136, ठीक है। तो यहाँ पे जुड़ने के बाद, ठीक, इसमें देखेंगे तो इसके सर्किट को ध्यान से, तो ये जो इस एलिमेंट पे सप्लाई आ रही है, ये यहाँ से इस जगह से ऐसे आउट हुआ इस पिन से, यानी इसी कंडीशन में ये PCB पर देखेंगे, तो ऐसे हमने सेम इसका जो ये डायग्राम बना दिया है। ये एक ऑर्डिनरी डायग्राम है, लेकिन आपको काफ़ी हेल्प करेगा। जो इसका फॉल्ट था यहाँ पे था, यानी ये एलिमेंट ओके था, जिसका उसमें हमने रेजिस्टेंस भी शो किया है, तो यहाँ सबसे पहले एलिमेंट को चेक करना हो तो इसके रेजिस्टेंस को यहाँ से देख लें, और इसके वोल्टेज जो यहाँ पे आ रहे हैं यहीं पे इस पॉइंट पे इसके वोल्टेज चेक हमने किया, तो यहाँ तक ये वोल्टेज ओके था। तो फिर यहाँ पे हमने स्क्रैच करके देखा, तो यहाँ पे भी वोल्टेज था, तो सब मिला के यहाँ पर 102 वोल्ट जो आ रहा था मिनिमम वोल्टेज, वो इस एलिमेंट पर नहीं मिल रहा था। इसे हमने दोबारा सोल्डिंग कर दिया, यहाँ पर साफ़ करके इसकी सोल्डिंग और बढ़ा दी, तो ये आयरन ओके हो गया, ठीक। इसको ऐसे देख लें,